दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IR वैल्यू के बारे में। जैसा कि दोस्तों ये टॉपिक तो बहुत सिंपल है, बट बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे स्टूडेंटों को यह नहीं पता होता है कि मोटर के अंदर IR वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटर की इंसुलेशन वैल्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो पर बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड के अंदर टोटल 3 नियम दिए हुए हैं जिसके द्वारा हम मिनिमम IR वैल्यू को पता कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इलेक्ट्रिकल में दो तरह की मोटर्स होती है, LT मोटर और ST मोटर, और LT मोटर का इंसुलेशन और ST मोटर का इंसुलेशन अलग अलग होता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल में IR वैल्यू पता करने के लिए 3 थंब रूल्स होते हैं। सबसे पहले वाले थंब रूल को समझने के लिए हमने यहाँ पर मोटर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह 5.5 किलोवाट की मोटर है जिसका वोल्टेज 415 है। मोटर की IR वैल्यू पता करने के लिए आपको सबसे पहले मोटर का वोल्टेज पता होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मोटर का वोल्टेज 415 है। अब दोस्तों इस 415 वोल्ट को हम किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो किलो वोल्ट में कन्वर्ट करने पर यह 0.415 वोल्ट हो जाता है। अब दोस्तों पहला जो नियम है उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगता है वो हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं IR इजिकल टू किलो वोल्ट प्लस 1, इसकी यूनिट दोस्तों मेगा ओम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने किलो वोल्ट पता कर लिया है, इस किलो वोल्ट के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 ऐड करने पर 1.415 मेगा ओम इसकी वैल्यू आती है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि जो मोटरें 415 वोल्टेज की हैं उन मोटर के अंदर मिनिमम IR वैल्यू 1.415 होनी चाहिए। यदि दोस्तों 1.415 से वैल्यू कम आती है मोटर की तो हम मान सकते हैं कि वह मोटर ख़राब हो चुकी है, उस मोटर का इंसुलेशन वीक हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो थंब रूल है यह थंब रूल 1970 से पहले एप्लीकेबल होता था। 1970 के बाद दोस्तों दो नए थंब रूल बनाए गए हैं और उन थंब रूल के अनुसार मोटर की मिनिमम वैल्यू पता की जाती है। आगे दोस्तों हम वही दो थंब रूल की बात करेंगे। जैसा कि अब हम दूसरे थंब रूल की बात करेंगे, इस थंब रूल के अंदर मोटर की मिनिमम IR वैल्यू 100 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये जो थंब रूल है यह थंब रूल केवल ST मोटर के लिए एप्लीकेबल होता है और दोस्तों उन मोटर के लिए एप्लीकेबल होता है जिन मोटर की वाइंडिंग फॉर्म वाइंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स जिन मोटर की वाइंडिंग फॉर्म वाइंडिंग है और ST मोटर्स है उन मोटर्स में 100 मेगा ओम से IR वैल्यू कम नहीं आनी चाहिए। यदि 100 मेगा ओम से IR वैल्यू कम आती है तो हम उन मोटर्स को ख़राब मानते हैं, उन मोटर की वाइंडिंग को वीक मानते हैं। अब दोस्तों हम तीसरे थंब रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा थंब रूल दोस्तों LT मोटर के अंदर एप्लीकेबल होता है। यह भी दोस्तों 1970 के बाद में जो मोटरें बनी हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। इस नियम के अंदर मोटर की मिनिमम IR वैल्यू 5 मेगा ओम मानी गई है। दोस्तों ये जो नियम है यह 1 kV तक की मोटर के लिए एप्लीकेबल होता है और 1 kV तक की उन्हीं मोटरों के लिए एप्लीकेबल होगा जिनकी वाइंडिंग रैंडम वुंड वाइंडिंग है और जो फॉर्म वाइंडिंग वाली मोटर्स हैं उनमें यह नियम एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी मोटर की मिनिमम IR वैल्यू का पता कर सकते हैं और दोस्तों मेकर से टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि वह मोटर सही है या ख़राब हो गई है। यहाँ पर दोस्तों मैंने यह एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मोटर की मिनिमम IR वैल्यू कितनी आनी चाहिए। यदि दोस्तों हम पहले वाले थंब रूल को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यदि मोटर का वोल्टेज 415 है तो मिनिमम IR वैल्यू 1.41 मेगा ओम आनी चाहिए। बट दोस्तों यदि हम रूल नंबर 3 को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 5 मेगा ओम मोटर की वैल्यू आनी चाहिए। अब दोस्तों दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर मैंने मोटर का वोल्टेज 600 माना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 600 को केवी में कन्वर्ट करना होगा। 600 को केवी में कन्वर्ट करने पर 0.600 हो जाता है। तो दोस्तों अब इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने पर इसकी वैल्यू 1.600 मेगा ओम आती है और यदि हम नए नियम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 5 मेगा ओम से कम नहीं आनी चाहिए। अब फ्रेंड्स एक और उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण के अंदर हम ST मोटर ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने 11 kV की ST मोटर ली है। अब दोस्तों 11 kV की ST मोटर के अंदर हम पहले वाले नियम से
आयर वैल्यू निकालेंगे। अब इसके अंदर आयर वैल्यू टोटल 12 मेगा ओम आती है। अब दोस्तों यदि हम दूसरे वाले नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसके अंदर मिनिमम आयर वैल्यू 100 मेगा ओम से कम नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर तथा लाइक ज़रूर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।